Good morning everyone. Continuing with our next lecture. Next lecture जो हमारा है, that is on National Stock Exchange. जो National Stock Exchange है, वो incorporate हुआ था in November 1992 और operational हुआ था Capital Market Segment में 3rd November 1994 को मुंबई में. और ये जब establish हुआ था, उसका recommend जो ये जाता है, उसका क्रेडिट जिसको जाता है, दैट इज रिकमेंडेशन इसकी की थी परवानी कमेटी ने. जो स्टडी ग्रुप है उसने सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट जून 1991 में, और उसने रिकमेंड किया था कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पर एक मॉडल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नवी मुंबई में एस्टैब्लिश होना चाहिए. और उसी ने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल मार्केट एस्टैब्लिश होनी चाहिए जो NSE एस्टैब्लिश करेगी. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं NSE के वो क्या हैं? एस्टैब्लिश करना एक नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी सभी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, इंश्योर करना इक्वल एक्सेस सभी इन्वेस्टर्स को ऑल ओवर द कंट्री फॉर एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क, प्रोवाइड करवाना एक फेयर एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का यूज करके, अनेबल करना शॉर्टल सेटलमेंट साइकिल्स को और बुक एंट्री सेटलमेंट्स को, मीट करना इंटरनेशनल बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स को. नेक्स्ट जो हमारा आता है, दैट इज फीचर्स क्या है NSE के. तो प्ले करता है रोल ऑफ कैटालिटिक एजेंट. जो रिफॉर्म्स हैं मार्केट में माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो मार्केट प्रैक्टिसेस के अंदर. देन एक्सचेंज अडॉप्ट करता है प्योरेस्ट फॉर्म में डी म्यूचुअलाइज सेटअप, मतलब कि जो इसकी ऑनरशिप मैनेजमेंट ट्रेडिंग राइट्स है वो थ्री डिफरेंट सेट ऑफ पीपल जो है उनके हैंड्स में है. देन हेल्प करता है शिफ्ट करने में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को. जो पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो हॉल में होती थी, फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है, लेकिन अब वही चीज आप कंप्यूटर टर्मिनल पर कर सकते हैं या अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं, तो वो इसने हेल्प किया है. देन एलिमिनेट करना सेटलमेंट रिस्क को, इनोवेटिव जो एंडेवर्स हैं कोशिशें हैं उसके लिए इसने की है इन द एरिया ऑफ सेटलमेंट एंड क्लियरिंग. जैसे सेटलमेंट साइकिल को रिड्यूस किया है, फाइन ट्यून किया है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को, डीमटेरियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा जैसे डिफरेंट स्टेप्स को. देन कम्प्लीटली एलिमिनेट किया है किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को. जो भी आप पॉलिसीज परस्यू कर रहे हो और जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हो विद इन अ पब्लिक इंटरेस्ट फ्रेमवर्क, प्रोवाइड करवाया है स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल एक्सेस प्रोवाइड हो इन्वेस्टर को, इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ जियोग्राफिकल लोकेशन में बैठे हैं. देन एक्सचेंज ऑपरेट करता है थ्री मार्केट सेगमेंट्स में, होलसेल डेप्थ मार्केट सेगमेंट, कैपिटल मार्केट सेगमेंट एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट. जो इसकी सिस्टम कैपेबिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाती है सर्विसेज आईपीओ मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को. हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ये डिसेमिनेट करता है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू. देन स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं इसने एक्सचेंज में इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क्स इसने एस्टैब्लिश किए हैं. देन इसने यानी एबल किया है कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो डोर स्टेप पर पहुंचे इन्वेस्टर्स को. तो जो टेक्नोलॉजी का यूज करके इसने जो स्टॉक एक्सचेंज की सर्विसेज है उसको डिलीवर किया है टू एवरी इन्वेस्टर अक्रॉस द कंट्री चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर. तो ये थे फीचर्स NSE के. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NSE. जो NSE है उसे ओन करते हैं सेट ऑफ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो मैनेज करते हैं प्रोफेशनल्स जो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ट्रेड जो एक्सचेंज पे हो रहे हैं उससे रिलेटेड है. ब्रॉड जो बोर्ड है इसका, उसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रमोटर्स हैं इंस्टीट्यूशंस, एमिनेंट प्रोफेशनल फुल टाइम एग्जीक्यूटिव में से जो इसका बोर्ड है वो बनता है. NSE की ऑर्गेनाइजेशन जो है इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयरमैन सबसे ऊपर, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, देन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर आपके फाइनेंस अकाउंट्स लीगल एंड सेक्रेटरियल इंस्पेक्शन के, देन वाइस प्रेसिडेंट इन चीज़ों के, देन आपका वाइस प्रेसिडेंट F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लियरिंग रिस्क मैनेजमेंट के, डायरेक्टर्स आपके इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफरिंग इन्वेस्टिगेशन सर्वेलेंस के लिए, देन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स आपके डिफरेंट कमिटीज के. देन जो बोर्ड है वो डील करता है ब्रॉड पॉलिसी इश्यूज से, डे टू डे मैनेजमेंट जो एक्सचेंज की होती है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स करते हैं जिनके पास एक प्रोफेशनल
टीम होती है, प्रोफेशनल स्टाफ उनके पास होता है, जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जिसमें आपके ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं जो डे टू डे अफेयर मैनेज कर रहे हैं एक्सचेंज का. जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, उससे आगे सेवरल कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ से उन्हें रेगुलेटरी इनपुट्स मिलते हैं मार्केट के लिए और मोस्टली ट्रेडिंग के लिए. देन इसकी कैपिटल और प्रेजेंट पोजिशन की बात करें तो जो NSE है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, टैक्स पेइंग कंपनी है. इस जो भी इसकी बिजनेस इनकम होती है उसी के ऊपर ये डिपेंड करती है अपनी सस्टेनेंस और ग्रोथ के लिए. इसकी जो नेटवर्थ है वो है 5726.78 करोड़ रुपीस थी ऑन 31 मार्च 2015. NSE फर्स्ट एक्सचेंज है वर्ल्ड का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करता है ट्रेडिंग के लिए. देन लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है. NSE में अगर आपको लिस्टिंग करवाना है ये चीज़ें आपको नहीं करनी है. देन जो नेक्स्ट आता है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग, कि NSE पे अगर आप अपने आप को लिस्ट करवाते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं. NSE लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ रीच, तो लिस्टिंग अगर आप NSE पे करवाते हैं तो इश्यूअर्स जो हैं उनको रीच मिलती है, सर्विस इन्वेस्टर्स को वो प्रोवाइड करवा सकते हैं अक्रॉस दी कंट्री. देन जो सिक्योरिटीज़ हैं वो उन ट्रेड होती हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट कॉस्ट कम आती है, हाईली लिक्विड है क्योंकि लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम. जो NSE नेटवर्क है वो डिसमिनेट करता है इंफॉर्मेशन कंपनी के अनाउंसमेंट अक्रॉस दी कंट्री, और जिससे जो स्कोप है प्राइस मैनिपुलेशन का या मिसयूज का वो कम होता है. देन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए. देन लिस्टिंग फी नॉमिनल है. लिस्टिंग कंपनीज मंथली ट्रेड स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करवाती हैं कंपनीज जो लिस्टेड हैं एक्सचेंज पर. देन NSE वेबसाइट लिंक प्रोवाइड करवाती है वेबसाइट्स का कंपनीज की जो लिस्टेड हैं NSE पे, तो जो वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज हैं कंपनी की वो विजिट कर सकती हैं कंपनी की वेबसाइट को NSE साइट के थ्रू. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डी लिस्टिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम NSE. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. Thank you so much.